हेलमेट कैसे लगा लेते हैं? हेलमेट नहीं है। नहीं है? नहीं। और गाड़ी को इतनी तेज कैसे चला रहे हैं? सर गाड़ी को धीरे लेके आ रहा हूँ। धीरे लेके आ रहा हूँ, चलो मैं चलान पड़ता हूँ। सर चालान तो रहने दो। नहीं सर, चलना लगेगा सर। सर चालान रहने दो। नहीं नहीं सर, क्या गलती क्या हो गई मेरे? नहीं सर, चलो साहब के पास चलो। चलो साहब के पास। सर इसके पास हेलमेट नहीं है और ये गाड़ी को स्पीड से भगा रहे सर, फिर ये उल्टा कर रहा है। सही है? हाँ हाँ। और ये स्पीड में बहुत तेज भगा रहा है ये साला। एक हेलमेट के साथ साथ इतनी गलतियां कर रहा है। हेलमेट नहीं पहन रहा और फिर ओवरटेक कर रहा है। बिल्कुल सही है। और क्या क्या कर रहा है? और सर ये तो बहुत कर रहा है। अच्छा स्पीड में भी है, हेलमेट भी नहीं है, इसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, गाड़ी चलानी नहीं है इसके। तो हेलमेट कहाँ है? हेलमेट नहीं है। हेलमेट से वजन लगता है प्लस बाल खराब होते हैं इसलिए नहीं देते। हेलमेट से वजन लगता है सर। अच्छा वजन लगता है। अरे भाई साहब, आपके चाचा विधायक हो सकते हैं। यमराज नहीं, यमराज से डरो। आपको थोड़ा सा अपनी जिंदगी का वो डर ही नहीं है क्या है? अरे कम से कम आपके लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जीना सीखो। जब आप घर से निकलते हो तो कम से कम कितने अरमान होते हैं उनके, आपके बीवी के, आपके बच्चों के हैं, आपके माँ बाप के है? वो सोचते हैं कि आज मेरा बेटा ऑफिस गया है, मेरे पापा ऑफिस गए हैं, मिसेज सोचती कि आज मेरा पति ऑफिस गया है, शाम को हंसता हुआ आएगा। लेकिन आप अपने कम से कम परिवार के लिए नहीं सोच रहे। अरे आपके लिए नहीं मत सोचो, लेकिन उस परिवार के लिए सोचो है? कितने अरमान हैं, कभी सोचा है उनके बारे में? बोले कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे। अरे बाल क्या एक्सटेंड हो गए, चोकटा है ना ये, जो चेची से पूरा चेंज हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कौन है भाई साहब। और पुलिस वाले कभी परेशान नहीं करते हैं। और हेलमेट के तेरे को फायदे बता तू, हेलमेट के फायदे बता रहे पप्पू? नहीं सर, साहब जी आप बताओ। अच्छा मैं ही बताता हूँ। हाँ सर देख, हेलमेट के फायदे बताता हूँ। सबसे पहले तो है कि एक तो सेफ्टी है, सुरक्षित। यदि हेलमेट है तो आराम से घर पर पहुँचो। दूसरा इसका बेनिफिट है, पुलिस वाले कोई परेशान नहीं करेंगे, चाहे आपके पास लाइसेंस हो, चाहे आपके पास इंश्योरेंस हो या ना हो, लेकिन हेलमेट पहन रखा है तो कोई परेशान नहीं करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंस है। तीसरा बड़ा फायदा है कि आजकल जो क्रेज चल रहा है ना गर्लफ्रेंड वाला, कि लड़की को पीछे बिठा के लेके जा रहे हो हेलमेट है, तो लड़की के माता पिता भी नहीं पहचान पाएंगे, वो सबसे बड़ा। और इससे भी बड़ा एक फ़ायदा और बताऊँगी आपको, इससे बड़ा फायदा है कि जो आजकल उधारी वाले आगे पीछे भगते हैं ना, और यदि हेलमेट है तो पता नहीं चलता है कि सामने से कौन निकल के चला गया, तो वो भी आपकी एक बचत होगी सबसे बड़ी। इतने फायदे हैं इसके, और भी फायदे बताऊंगी मैं आपको, और भी फायदे हैं। घर में ले जाएंगे प्याज टमाटर आलू भी रख सकते हो हेलमेट के ऊपर, हेलमेट बोझ नहीं है। हेलमेट के कितने फायदे हैं और भी बताऊँगी, हेलमेट के फायदे कितने हैं है? जब गाड़ी खराब हो जाए, बेकार हो जाए, तो चेयर लगा के आराम से बैठ सकते हो, ये इस हेलमेट के फायदे हैं। इतने फायदे हेलमेट के हैं, कभी आपने सोचा है, है? और रही बात, लोग सोचते हैं यार गुटके वाला, हाँ गुटके वाले गुटके में परेशान हो, तो थोड़ा सा गुटके का ध्यान रखें। और ये मैं तेरे को इसलिए बता रहा हूँ, ये जनहित में नहीं आपके हित में बता रहा हूँ, आपके हित में, इसलिए गुटका खाए थोड़ा सा गुटके का ध्यान रखना, बल्कि बिल्कुल हेलमेट के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपना जीवन सबसे अनमोल है, कम से कम नन्हे नन्हे बच्चों के बारे में सोचो, उस बीवी के बारे में सोचो, अपनी माता पिता के बारे में सोचो। अपने बारे में सोचते हो है? बाल खराब हो जाएंगे। ओके सर, आगे से ध्यान रखेंगे। अरे आगे से क्या ध्यान रखेंगे, चालान बना इसका? ठीक है सर, बनाता हूँ मैं अभी। चालान तो रहने दो सर, कितने बनाऊं? नहीं नहीं भाई, गलती नहीं बनाऊं आगे इतने, ये पूरे इसने एक ही रूल फॉलो नहीं किया, ₹1000 का बना कम से कम। सर आगे से देख लेंगे, आगे से आगे से कौन देखेगा सर? सर बोल रहे ना, बस अपन बोल दिया ना एक बार तो बोल दिया, ठीक है बन गया। लेकिन हम आपसे ₹1000 लेंगे, लेकिन 1000 के बदले में आपको हेलमेट और देंगे। हमारे को पैसे से मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि आम जनता इस नियम को फॉलो करे। कम से कम अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। कोई पुलिस वाले गलत नहीं है, आप समझते कि यार पुलिस वाले अपने जेब से भरने के लिए लग रहे हैं। भाई परिवार आपका इम्पोर्टेंस है, या मेरा परिवार इम्पोर्टेंस है, मुझे भी अपने परिवार की फिक्र है, तो आपको भी अपने परिवार की फिक्र होनी चाहिए। सर ये आपका हेलमेट कितने का है? वो तो अभी बताते हैं, बना दिया सर, सर बना दिया, लो ₹1000 दो। ठीक है सर, ले रहे हो या मतलब ऊपर से बाकी के ले रहे हो?
बोले हेलमेट की रेट ले रहे हैं, हेलमेट तो 1500-2000 का था लेकिन हम तो 1000 रुपए ले रहे हैं, उसमें से कुछ भी समझो आप। है लो भाई लेके आओ, लेके आओ फटाफट लेके। यार गर्मी और हो रही है, पता नहीं लोगों को ये पता नहीं। पता नहीं सर क्या क्या समझते अपने आप को सर। हाँ लगा के दो इसको। हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखना भाई साहब। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा कंफर्टेबल हो रहा है? ठीक। बाल खराब हो रहे हैं? देख नहीं भाई, गुटखा खाए तो उसको ऊपर कर लेना, आराम से निकालना। कोई कोई तेरे को कोई देख ले, मांगने वाला उधारी वाला, तो उसको ऐसा कर लेना, कोई राम राम भी करेगा ना। ठीक है सर, थैंक यू। हां मोस्ट वेलकम आपका, मोस्ट वेलकम। जाइए। ठीक है सर, जाने दीजिए इसको। हां आगे जी, ध्यान रखना अपन। ठीक है ठीक। यार पप्पू लाल ऐसे ऐसे के अपने को मिल गए ना सर, वही तो बोल रहा हूँ सर, ऐसे लोग मिल गए ना। अब यार कैसे लोग यार अपने परिवार के लिए नहीं जीते हैं लोग, है इनके बोलते हैं बाल खराब हो जाएंगे। यार काहे के बाल खराब हो जाएंगे? बाल इम्पोर्टेंस है या बच्चे इम्पोर्टेंस है, परिवार इम्पोर्टेंस है सर? है सारा समझने का नाम नहीं है इनका, वैसे समझते हैं कि पुलिस वाले अपने जेब में डालते हैं, ध्यान नहीं रखते बच्चे को, नहीं समझते हैं कि पुलिस वाले ही करते हैं जो भी करते हैं। पुलिस वाले क्या करेंगे यार? सही है सर, बिल्कुल सही है सर। खुद को अपने परिवार को सोचना है, नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। गाड़ी चला रहे हैं तो इंश्योरेंस जरूरी है, लाइसेंस भी जरूरी है, हेलमेट भी जरूरी है, बिल्कुल सर जरूरी है। ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो और कोई आ रहा है क्या? ठीक है सर, नहीं आ रहा अभी तो। चल ठीक, रेस्ट कर। ठीक है सर।